इस संसार में एक बड़ी आश्चर्य चीज है और वो है मृत्यु। मृत्यु ऐसी है, बताऊ मैं, एक को मरते हुए देखकर भी दूसरा सोचता कि मैं तो नहीं मरूंगा। यदि आश्चर्य कोई बात है तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक मर रहा है, एक मर चुका है, लेकिन जो मर गया उसके सामने जो मर रहा है बोले कि मैं तो नहीं मरूंगा। लेकिन जो संतों की कृपा हो जाती है, भगवत कृपा हो जाती है, आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है, उसको ये पता चलता है नहीं ये शरीर नश्वर है। अरे जरा सोचिए तो हम अजर अमर कहां तक बन सकते हैं? जिस अन्न से बना शरीर है वो अन्न भी तो घंटे दो घंटे दस घंटे में खराब हो जाता है। वो चावल दाल सब्जी रोटी और उसी से पुष्ट शरीर है तो जब अन्न ही नश्वर है तो शरीर शाश्वत कैसे हो सकता है? इसलिए पृथ्वी जी महाराज धर्म कर्म आदि करते हुए, धर्मोपदेश करते हुए और अपने लीला को संपन्न करके प्रस्थान के बाद में अर्ची महारानी भी स्नान आदि करके और जो है प्रदक्षिणा करके और इसके बाद में पति के साथ में सती हो गई। दोनों स्वधाम गमन किए, देवता लोग आकाश मार्ग में बड़ी सेवा सुशंसा किए, पुष्प वृष्टि करे, जय जय कारी लगाए। मैं कई बार बताया था कि पति कैसा भी हो यदि हमने सेवा किया है उसका फल माता को जरूर मिलता है, उस स्त्री को जरूर मिलता है। कल मैंने जालंधर की चर्चा किया था, वृंदा की कथा सुनाए थे, तो पत्नी के धर्म के प्रभाव से, पत्नी के पुण्य के प्रभाव से पति की रक्षा होती है। और एक बात याद रखिएगा, पति धर्म करे न करे वैसे भी कर्म कम कम ही करते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं करते हैं, लेकिन तुलना किया जाए, समीक्षा किया जाए, विचार किया जाए तो धर्म के काम में पुरुषों की अपेक्षा माताएं आगे बढ़ती है। इतने व्रत, इतना पूजा, इतना पाठ, इतने अनुष्ठान ऐसा दूसरों के लिए करती है पति आदि। पति के अनुकूलता में अपने अनुकूल रहना, पति के प्रतिकूलता में भी यानी विपत्ति आने पर भी उसके अनुसार जीवन यापन करना, यही एक सुलक्षणा नारी का पहचान है, सद्गृहिणी का यही पहचान होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो वर्णन किया है ये माता अनुसुईया के पास जगदम्बा माता सीता बैठी है, विचार मैं कई बार कहता हूं पुरुषों की कथा की आवश्यकता है लेकिन माताओं को नहीं, ऐसा कह नहीं जा सकता है। अरे जरा पार्वती को भी सत्संग की आवश्यकता पड़ी, कथा की आवश्यकता पड़ी और जगदम्बा सीता को भी आवश्यकता पड़ी कथा सुनने की। तो आजकल हम सामान्य स्त्रियों की कौन बात कहें, वो तो चाहे मदाक्षा की बात ले लो, गार्गी की बात ले लिया जाए, अनुसूया की बात ले लिया जाए, नर्मदा की बात ले लिया जाए, किसी किसी को दुआ, ये सब भी द्रौपदी कुंती उत्तरा आदि आदि जो पंच कल्याण कही जाती है उनको भी जीवन में सत्संग की आवश्यकता पर, कथा की आवश्यकता पर। तो आज जो है जगदम्बा माता सीता के लिए ऋषि पत्नी जो है शिक्षा देती है, ऋषि पत्नी मन करके माता जगदम्बा सीता ने ऋषि पत्नी अनुसुईया को प्रणाम किया और प्रणाम किया तो जगदम्बा माता सीता को भाव को देखकर अनुसुईया बड़ी प्रसन्न हुई और उनको बैठा दी। ऋषि पत्नी मन सुखय अधिकाई आशीष दे निकट बैठाए, आशीर्वाद दिया, आसन दिया, नीचे बैठाए बड़े प्रेम से। और जगदम्बा को इस बात की आवश्यकता नहीं है, सीता की आवश्यकता तो जगदम्बा है। अरे उस मां की कृपा है कि जीव ईश्वर को प्राप्त करते हैं उसी कथा। एक बार पीड़ो की मम को रावण ने कहा कि माते एक बार देखो कि माता सीता ने तृण धरि होट कहत कई देही
सहारा लेती है साड़ी के किनारे के बंधों का। आज भी हमारे राष्ट्र में विधान है, परंपरा है, जो संस्कारी परिवार है आज भी घर से बाहर निकलते हैं माथे पर पल्लू होते हैं, साड़ी होती है। और मैं तो कहने का मतलब ये है कि हम बाहर पर्दा करें न करें हमारे घर में भी पर्दा होना चाहिए। पर्दा पता है और आज थोड़ा फैशन हो गया है। फैशन क्या, पहले के ससुर लोग जो है बहू से दूर रहा करते थे, अरे बहुएं ससुर से पर्दा करती थी और होना भी चाहिए। अब वो भी तो पिताजी 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 माता जी, बड़ी अच्छी बात है, इसका विरोध नहीं कर रहा। बहू ससुर के पुत्री के समान है, फिर भी एक मर्यादा आ जाता है। कहीं ऐसा कहीं नहीं लिखा कि माता जगदम्बा सीता के दशरथ के सामने जो है बिना पल्लू की बिना साड़ी किए हुए घूंघट के पहुंच गए हुए। अच्छा अब तो क्या है, आजकल लोग जो तेवर होती है ना थोड़ा सा फुलक फुल्ला हो जाता है, बड़ी हास परिहास मजाक करते हैं। हम सनातनी है, बात याद रखना, हम मलेच्छों के गिनती में नहीं आया करते हैं। ये संस्कार हमारे यहाँ आया है और हमारे को संस्कार दे करके सारे लोग संस्कारवान होते हैं, संस्कारित होते हैं। अन्य में पर्दा हो या ना हो, रामचरित मानस इच्छा देती है। माता सीता के चेहरे को भैया लक्ष्मण ने देखा, इसका मतलब ये हुआ कि लक्ष्मण जाते थे प्रणाम करने तो माता सीता के चरणों को देखते होंगे, या फिर दूसरा परिचय ये है कि लक्ष्मण भ्राता देवर भला ही सामने आते थे परंतु माता सीता उस समय भी घूंघट की हुई रहती थी। और आगे ही कारण है, हमारे जीवन में जो पतन पड़ा है, हमारे जीवन में जो थोड़ा सा गड़बड़ी जुआई है, मैंने घूंघट करना बंद कर दिया, पर्दा करना बंद कर दिया। आज जो समाज में सब स्वच्छंद होना चाहते हैं, विचार करो ये बात करते हैं। इसलिए देवर भाभी का संबंध जो होता है मातृगत संबंध होता है, माँ के नहीं रहने पर भाभी जो है माँ के समान, माँ के दर्जे, माँ के स्थान पर होती याद रखना। ये शिक्षा रामचरित मानस है। आज भी बड़े संस्कारी परिवार है, यहाँ तो माताएं सब घूंघट पल्लू करके आती हैं। और ये होने के घर में भी पर्दा करो, और घर में नहीं घर से बाहर जब निकल जाओ, कोने कोने बाजार जाना हो, रात को बाजार जाना हो, लोखा बाजार जाना हो, तो वहां भी करो। आपके स्वरूप को, आपके शरीर को, आपके चेहरे को आपके पति के अलावा दूसरे की दृष्टि नहीं पड़ना चाहिए, यही सत्य प्रसिद्ध सत्य यही होना चाहिए। इसलिए माता सीता ने जगदम्बा अत्रि सीता को अनुष्मिया शिक्षा दी, और शिक्षा हमारी आपकी शिक्षा है कि जगपति व्रता चारि विधि वेद पुराण संत सब कहे। मैं बनाते बताया था मनुष्य स्मृति की बात बताया था, बाल्या वा युवतिया वा वृद्धिया या योषिका न स्वतंत्र न कर्तव्यम कश्चित कार्य गृहस्वी महाराज। मनुष्य स्मृति में लिखा बाल्या वा युवतिया वा बालिका हो, युवती हो, कोई हो, वृद्धिया वा योषिका, वृद्धा ही माता क्यों नहीं हो। शास्त्र कहते हैं कि न स्वतंत्र न कर्तव्यम कश्चित कार्य गृहस्वी, स्वतंत्र रूप से घर का भी कार्य नहीं करना चाहिए, घर का भी कार्य करो। माता जी क्या बनाऊं, खाना बनाना, बनाना तो आपको है, सास से पूछ लो ना क्या बनाऊं, सास नहीं है ससुर से पूछ लो पिताजी क्या बनाएं, पिताजी ने पति देव से पूछ लो बेटे तुम्हारी इच्छा क्या है खाने की बताओ। शास्त्र मना किए हैं कश्चित कार्यम गृहस्व, घर का विकार बाले पितुर बसे तिष्ठे आणि ग्राहस्य यौवने पुत्राणां गर्थे प्रेते न त्यजति स्त्रिय स्वतंत्रता। बड़े बाल्य काल में पिता की निगाह दृष्टि होनी चाहिए, बड़े होने के बाद में पति की दृष्टि होनी चाहिए। मैं संसार की बात नहीं करता हूँ, पति के संरक्षण में होना चाहिए, क्योंकि इनमें वात्सल्य ज्यादा होता है, इनमें प्रेम भाव ज्यादा होता है, और भाव बस भटक जाती है।
इसलिए इनमें ममता ज्यादा होती है, तो ममता की वजह से फिर कुछ भी हो सकता है। इसलिए जब पुरुष में थोड़ा सा ममता कम होती है ना, तो सजग रहते हैं बेचारे। इसलिए यदि पति है तो पति का दृष्टि, अनेक फिर बच्चों की बनाते न स्वतंत्र कर्तव्य आदि आदि जो है। जीवी स्वतंत्र हो बिगड़ी नारी। अरे आपको रावण ने कहा कि मैं रावण की बात कर रहा हूँ। गुण याठ सदा मोर रही, आठो वेद पुराण संत यस कही। अच्छा सद्गुण तो दुर्गुण भी उनका साहस यंद्रित चपलता माया भय अविवेक अशौच यदाया। माताएं बड़ी कोमल होती हैं, वैसे लक्ष्मी स्वरूपा है, सरस्वती स्वरूपा है, महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली। लक्ष्मी भी है सरस्वती भी है, और आवश्यकता पड़ी तो काली भी हो जाती है। लक्ष्मी बाई की कथा सुने राम राम राम, कौन है जो लक्ष्मी बाई की कथा तो नहीं जानता है, नहीं सुना है। ऐसी वीरांगना तू कहने के भाव मेरा साहस बहुत होता। झांसी की रानी लक्ष्मी भाई आदि आदि क्या है, तो साहस यदि है तो लक्ष्मी, लेकिन स्वरूप में आ जाए तो फिर दुर्गा भी बन जाती है, भीमती बन जाती है। तो ये रावण ने कहा, लेकिन यहाँ पे बात आई तो चार प्रकार से कहा ना कि उत्तम की असल माही सतल हूँ आन पुरुष विदमाही मध्यम परपति सोहई कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। दो का तीसरा जो है बिन अवसर भय तीर ही रोई जाने अधम नारी जग सोई। तो तीनों प्रकार के लक्षण का वर्णन किया है, उत्तम का लक्षण यहाँ पर ही दिया है। इसलिए तो माता जगदम्बा सीता ने कही, बात याद रखना संसार है ये पता नहीं क्या करूंगा। आज तो बड़ी विषम परिस्थिति, लोगों की मनस्थिति ऐसी बिगड़ गई है कि सगा भाई भी अपने बहन के साथ जाता है, लोगों की दृष्टि बदल गई। भाई बहन जाए ऐसे कलयुग व्याप्त हो गया है। राम राम, किसी की बेटी किसी की बहन कोई पत्नी को लेकर जा रहा है, अपने पुछिया को ही लेकर जाए। लेकिन समाज में काफी ऐसे गंदे लोग हैं कि जिनकी दृष्टि में वही होती है, याद रखना। तो भैया वो जैसे हैं वैसे उनकी दृष्टि और उनकी सोच होती है। अब बात ये रही कि फिर ये संसार है, याद रखना, फिर डरना भी नहीं है। जब इस संसार के लोगों ने जगदम्बा माता सीता पर लांछना लगा दिया, सीता को लांछना लगा सकते हैं, तो हम और आप यानी आज की स्त्रियों को छोड़ सकता है क्या? तो नहीं छोड़ सकता है। तो सारे लोग सही बताते हैं, लेकिन हम अपने जगह पर ऐसे हैं, मैं अपना विचार कर सकता हूं। इसलिए आज जो है माता अच्छी महारानी जो है पति का अनुगमन को, नर्मदा की कथा सुने हैं आप? नर्मदा जी इतना नर्मदा कौशिक, नर्मदा का पति कौशिक कितना बिगड़ा हुआ था, बहुत बिगड़ा हुआ था, सफेद दाग हो गया था, कुछ रूप हो गया था, लेकिन एक नंबर का विषय था और कहीं स्त्री पर उसका मन चला गया। नर्मदा नीरजा में मनुष्य के शरीर से मांडव ऋषि बैठे थे और कहीं ध्यान लगाए थे महात्मा, और ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, ध्यान भंग हुआ, थोड़ा कष्ट हुआ। महात्मा ने श्राप दे दिया, जिसने भी मेरे कष्ट पहुंचाया है सूर्योदय होते मर जाएगा। कोई बात नहीं, नर्मदा संकल्प करती कि सूर्योदय हो, नारायण भगवान है सूर्य नारायण भगवान, यदि मैं पति की सेवा की हूं तो आप सूर्योदय नहीं होगा, आप समय से उदय नहीं होंगे, और सूर्य नाम किसकी बात। अब यहाँ हाहाकार मच गया, सूर्योदय नहीं होने रहा है। तब लोगों ने जाकर कहा
देवताओं से देवता ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा बोले कि तो मैं क्या करूं, ये तो नर्मदा का दिन है, जाओ नर्मदा को समझाओ। अब नर्मदा के पास जाएगा तो नर्मदा साफ मना कर दिया, तो लोग अनुसुईया के पास गए और अनुसुईया महारानी ने कहेंगे तो क्या किया जाए। अनुसुईया माता ने समझाई नर्मदा को, नर्मदा क्यों चिंता करती, मैं हूं तो सही। तो बिचारी जाकर के नर्मदा ने कहे कि हे सुल्तान भगवान, मैं अपना वचन वापस लेती हूँ, आप समय से अपने समय से बोले हो, संसार का निहार जो है अंधकार को दूर करिए। इतना कहना हुआ कौशिक ब्राह्मण उसका पति मर जाता है। लेकिन देखो ये पतिव्रता का लक्षण है, ये पतिव्रता का धर्म है, ये पतिव्रता में ताकत है। पाप नर्मदा का पति मर गया, लेकिन मरने के बाद में पता है क्या हो रहा। अब नर्मदा तो बैठी है और उसी समय महारानी अनुसुईया जो है उसने ही बात कहा, हे सूर्य नारायण भगवान, हे ऋषियों, हे देवी देवताओं, मैं अनुसुईया अपने पति पत्नी के अलावा पर पुरुषों को स्वप्न भी चेता नहीं किए हूँ कि ब्राह्मण पुनः जीवित हो जाए, पुनः स्वस्थ हो जाए। और इतना कहना हुआ मृत ब्राह्मण कौशिकी ब्राह्मण जो है स्वस्थ होकर के शरीर में पुनः प्राण आया, वो सभा में बैठ करके खड़ा हो गया, उठकर खड़ा हो गया। ये पति प्रथा, अरे सूर्य को रोकने का सामर्थ्य पति प्रथा, तहकती हुई अग्नि को जलाने में शीतलता का अनुभव कराना, शीतल कर देना पति प्रथा में होता है। इसलिए शब्द के ऋण पूरे होते हैं, इनके ऋण पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए हम इतना कहूंगा माता सीता भी बोली, मुनौ नक्षत्रयौ सीता भरता निवासिता ध्यायन्ति रामचरणौ विवरं परिवेश। हे प्रभु, हे मां सीता, हे मां धरती, आप परीक्षा देते देते मैं बेहद परेशान हो गई, यदि आप मेरी पवित्रता से परिचित हो, यदि मैं राम के अलावा पर पुरुष को स्वप्न में चिंता नहीं की हूं, तो आप अपने गोद में स्थान हमको दे दीजिए। इतना कहना हुआ धरती फट जाती है, धरती माता के गोद में सीता माता समाहित हो जाती है, अपने पुत्रों को लव उनको ऋषि के हाथ में, धरती फट भी जाता है। कहने का भाव मेरा ये, इससे बड़ा कोई कठिन तपस्या नहीं। हाँ, लेकिन पति का सेवा करके काय वचन मन पति पगत है। इसलिए अब पति कौन से लोगों को जानेंगे तो मेरे को पता नहीं है ना, लेकिन आप पति की सेवा की है, आप पति की शुश्रूषा किए हैं, तो ये निश्चित है पति का अधोगामी चाहे अधोगति हो या कुछ भी हो, लेकिन जो पत्नी पतिव्रत धर्म का पालन करती है उसके लिए वैकुंठ का दरवाजा खुला हुआ है। ये शास्त्र का कथन है। और याद यही हुआ अर्ची महारानी जो है सीधे वहां पर प्रस्थान करती है, पति लोग को प्रशंसा की, भूरी भूरी लोगों ने प्रशंसा किया, देवांगनाएं नृत्य अप्सराएं नृत्य करने लगे, देवांगनाएं प्रशंसा की, पुष्प वृष्टि की, और सब जो है बोले कि पता है जो व्यक्ति श्रद्धा भाव भक्ति के साथ में पृथ्वी जी महाराज के प्रसंगों को श्रवण मनन पठन चिंतन करेगा, उसके जो है निपुणां लभते रति मनुष्य निश्चिते भवसिंधु पोतपाद भवसागर से पार करके तो परमात्मा के चरणों को प्राप्त करेगा। बोलो गोविंद भगवान विजितास्तधिराजासीत पृथुपुत्रः पृथुश्रवाः यवीयेभ्यो ददात्कण्ठा मातृभ्यो भ्रातृवत्सलः। पृथु महाराज माता अर्जुन के जाने के बाद में जो ज्येष्ठ पुत्र जो विजितास था वो राजा बने, और राजा बनने के बाद में उनके और जो छोटे छोटे भाई थे हर्यक्ष थे धूम्रकेश थे वृत्त थे, इन लोगों को भी चारों दिशाओं के राजा बनाया गया। इसके बाद में विजितास की शादी होती है, पृथु पुत्र ज्येष्ठ पुत्र की शादी होती है, और शिखंडी नाम के भारिया से उनके तीन पुत्र होते हैं, पवक पावमान सुचित, पावक
पावना सुजीति पुत्र होते। पवक पावमानस्य सुजिस्त्रित्यग्नय पुरा वशिष्ठ शाबाद्युतात्मनः पुनर्योगत गति नंगता। और ये पावक पवमान और सुचि